हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है विथ रिगार्ड टू हाउ टू प्रिपेयर एन ईवे बिल। ये जो वीडियो रहेगा, इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स मेनली यही कवर करेंगे कि ईवे बिल को ऑनलाइन कैसे फाइल करना। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ईवे बिल को कैसे ऑनलाइन फाइल करना है उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। हम लोग ईवे बिल के लॉ और उसके जो लीगल प्रोविजन है उसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग एक वीडियो और रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट ये वीडियो स्पेसिफिकली ईवे बिल को कैसे फाइल करना है उसी के रिगार्डिंग है। सो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, दो मेन डिटेल्स है जो आपको देनी है, इज़ इट आउटवर्ड सप्लाई और इज़ इट इनवर्ड सप्लाई। अब मान लीजिए कि अगर आप किसी को गुड सप्लाई कर रहे हो और उसका अगर आप वे बिल बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी टेकन एज योर आउटवर्ड सप्लाई। बट अगर मान लीजिए कि कहीं से आपने गुड्स एक्वायर किए हैं और उसके ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपको ईवे बिल बनाना है तो ऑब्वियसली इट विल बी शोन एज इनवर्ड सप्लाई। आई थिंक आप सबको पता है कि अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स एक्वायर करेंगे तो प्रॉबेबली उसके ट्रांसपोर्टेशन का ईवे बिल हमें बनाना पड़ेगा, और अगर वो बनाएंगे फ्रेंड्स तो वो इनवर्ड में आएगा। जबकि अगर मैं ये बोलूँ कि मैं किसी और को सप्लाई कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स उसका जो ईवे बिल है वो बेसिकली आउटवर्ड में फॉल होगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों टाइप की डिटेल्स है, बट कीप दैट इन माइंड। अगर आप ईवे बिल बना रहे हैं विथ रिगार्ड टू योर आउटवर्ड, देन आपकी डिटेल्स फ्रॉम में आएगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं कोई ईवे बिल बना रहा हूँ जो मेरे इनवर्ड का है, तो फ्रेंड्स उसमें मेरी जो डिटेल्स आएगी वो फ्रॉम में नहीं आएगी, रादर वही की वही डिटेल्स अब टू में चली जाएगी। सो ये दोनों पॉसिबिलिटी इक्वली रेलेवेंट है कि आप जो बोल रहे हो वो आपके आउटवर्ड का ईवे बिल है या आप जो बोल रहे हो वो आपके इनवर्ड का ईवे बिल है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये मेरे आउटवर्ड का ईवे बिल है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्म में सारी डिटेल्स मेरी आ गई और मेरा एड्रेस और मेरा कम्युनिकेशन का सारा डिटेल्स आ गया। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर मैं ये बोलूँ कि ये मेरे आउटवर्ड का ईवे बिल है, लेट अस अंडरस्टैंड क्या मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। यस फ्रेंड्स, आई कैन डेफिनेटली मॉडिफाई ऑल दिस डिटेल्स। ऐसा हो सकता है कि ये सारी डिटेल्स कोई केस में, पर्टिकुलर केस में अलग हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, मैं अहमदाबाद में एक लोकेशन पे हूँ जहाँ पे मेरा फैक्ट्री रजिस्टर्ड है या मेरा ऑफिस रजिस्टर्ड है। बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी फैक्ट्री से गुड्स का मूवमेंट ना करवा के मैं किसी और पार्टी की फैक्ट्री से गुड्स का मूवमेंट करवा रहा हूँ और उसका ईवे बिल मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। देन इन दैट केस फ्रेंड, इट्स माय आउटवर्ड ईवे बिल एंड दैट इज़ टेक्निकली फ्रॉम समवन एल्सेस फैक्ट्री। तो इन दैट केस कैन आई मॉडिफाई दिस डिटेल? यस फ्रेंड्स, दिस डिटेल कैन ऑलवेज बी मॉडिफाइड। कीप दैट इन माइंड, कौन सप्लाई कर रहा है उसमें मेरा ही नाम रहेगा, उसमें GSTIN मेरा ही रहेगा, बट जो एड्रेस है दैट कैन 110% बी मॉडिफाइड अगर ज़रूरत पड़े तो। फ्रेंड्स ये बेसिक पॉइंट हो गया कि हम आउटवर्ड का ईवे बिल बना रहे हैं या इनवर्ड का ईवे बिल बना रहे हैं, अकॉर्डिंगली डिटेल्स विल गेट चेंज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सब टाइप, कौन से टाइप का पॉइंट है। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वो सप्लाई है। अगर फ्रेंड्स वो सप्लाई है तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली मैं उसमें टिक कर दूंगा सप्लाई वाले ऑप्शन में कि भाई मैं सप्लाई कर रहा हूँ किसी को। जैसे कि मैं किसी कस्टमर को गुड्स बेच रहा हूँ और उसका मैं ईवे बिल बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं सप्लाई में डालूंगा। बट ये एक जनरल पॉइंट है। अब इसको ओवर रूल करते हुए फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर वन, अगर मैं बताऊं क्या मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं बट इज़ इट इन फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट, इफ़ इट इज़ इन फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट तो अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ एक्सपोर्ट सेलेक्ट करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को गुड्स दे रहा हूँ बट मैं उसे बेच नहीं रहा हूँ, रादर मैं उसे प्रोसेसिंग के लिए गुड्स दे रहा हूँ, विच वी टेक्निकली कॉल एज जॉब वर्क। इफ़ वी कॉल इट एज जॉब वर्क तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे जॉब वर्क के फॉर्म में सेलेक्ट करना है। देन देर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड एज SKD और CKD। वॉट इज़ SKD और CKD फ्रेंड्स? SKD इज़ सेमी नॉकडाउन कंडीशन एंड CKD इज़ कम्प्लीटली नॉकडाउन कंडीशन। बहुत सारे केसेज में ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम लोग जिस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ फुल्ली फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, रादर वो एक नॉकडाउन कंडीशन है किसी फाइनल प्रोडक्ट का। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि मैं किसी को AC सप्लाई कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो अगर मैं किसी को AC सप्लाई करता हूं ना फ्रेंड्स, तो AC के केस में मुझे ऑलवेज ध्यान में रखना है कि मैं पहले उन्हें सप्लाई करूँगा अपना कूलिंग यूनिट और कॉम्प्रेसर अलग अलग। सो अब मैं जो सप्लाई कर रहा हूँ वो कंप्लीट AC नहीं है, रादर वो कूलिंग यूनिट और कॉम्प्रेसर इंडिपेंडेंटली है। एंड बिकॉज कूलिंग यूनिट एंड कॉम्प्रेसर इंडिपेंडेंटली है, बट बिकॉज मैं उससे एज एन AC सप्लाई कर रहा हूँ, तो इट विल बी टेकन एज सेमी नॉकडाउन और कम्प्लीटली नॉकडाउन कंडीशन ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि आप अगर कोई फुल्ली फिनिश प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो
आप उसको सप्लाई में डायरेक्टली लिख दोगे, बट अगर आप किसी चीज़ को सेमी नॉकडाउन या कम्प्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको अकॉर्डिंगली SKD या CKD टिक करना है. देन देयर इज नेक्स्ट ऑप्शन व्हिच इज सेइंग दैट रिसिपिएंट इज नॉट नोन. नाउ व्हेन आई से रिसिपिएंट इज नॉट नोन फ्रेंड्स, आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे एज अ मैन्युफैक्चरर हम गुड्स लेके जाते हैं एंड अलग अलग कस्टमर्स को शो करते हैं. अब शायद कोई कस्टमर हमें ऑर्डर दे भी दे, शायद कोई कस्टमर हमें ऑर्डर ना भी दे. सो वी आर नॉट श्योर कि ये प्रोडक्ट का कस्टमर ऑर्डर देगा या नहीं देगा. अगर कस्टमर पता है कौन ऑर्डर देने वाला है तो ऑब्वियसली हम रिसिपिएंट में उसकी डिटेल डाल देंगे. बट अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन हमारा कस्टमर है, क्योंकि हमें तो बहुत सारे कस्टमर्स को दिखाना है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ज्वेलरी फ्रेंड्स, ज्वेलरी सेक्टर में जो होलसेलर्स होते हैं वो होलसेलर्स अपने साथ ज्वेलरी कैरी करके लेके आ जाते हैं और वो अलग अलग शॉप रिटेल शॉप्स वालों को जाके ज्वेलरी पीस दिखाते हैं और अगर कोई ऑर्डर दे तो ऑन द स्पॉट वहीं पे ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है और अगर कोई ऑर्डर ना दे तो वही ज्वेलरी पूरी कैरी होके वापस आ रही है. सो प्रैक्टिकली वी डोंट नो हु इज़ अवर कस्टमर. अच्छा फ्रेंड्स, एज एन एग्जाम्पल मैंने ज्वेलरी बोला है, बाकी कीप दैट इन माइंड. ज्वेलर्स को कभी भी ईवे बिल बनाना नहीं है. गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड एक ऐसा लिस्ट बनाया है कि इन सारी कमोडिटीज़ के रिगार्डिंग ईवे बिल नहीं बनेगा और ज्वेलरी उसमें आता है. सो डोंट कीप इट. एक्चुअली ये खाली एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ज्वेलर का एग्जाम्पल दिया था. देन देयर इज़ वन मोर पॉइंट व्हिच इज़ ईवे बिल फॉर ओन यूज़. सो बेसिकली अगर मैं कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ या गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ और वो अपने खुद के यूज़ के लिए ही अगर मैं ले जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा ईवे बिल फॉर ओन यूज़. कीप दैट इन माइंड. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं बनाता हूँ लेट्स से कोई खाने पीने की प्रोडक्ट और वो चीज़ अगर मैं अपने खुद के लिए ले जा रहा हूँ घर पर तो आई प्रोबेबली कंसिडर दैट एज एन ईवे बिल फॉर ओन यूज़. फ्रेंड्स फिर आता है अगर आप कोई चीज़ एग्जीबिशन या फेयर में दिखाने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए ले जाते हो, मे बी एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मे बी एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और मे बी अदरवाइज, बट अगर आप कोई चीज़ एग्जीबिशन या फेयर में या तो बेचने के लिए या तो शो के लिए ले जाते हैं देन फ्रेंड्स दैट विल फॉल अंडर द पॉइंट कॉल्ड एज एग्जीबिशन और फेयर. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लाइन सेल्स. फ्रेंड्स लाइन सेल्स में क्या आएगा, ये एक बहुत आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस पॉइंट बिकॉज लाइन सेल्स क्या होता है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है. फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि मैं गुड्स लेके जा रहा हूं बट मुझे ये नहीं पता है कि रिसिपिएंट कौन होगा तो उस केस में तो मैं टिक करूंगा रिसिपिएंट नॉट नोन. बट मुझे ये पक्का पता है कि रिसिपिएंट कौन होगा बट वो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेगा, क्या ऑर्डर करेगा. जैसे कि बहुत सारे खाने पीने की चीज़ में अगर मान लो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं अपने साथ फूड पैकेट्स की बात करें, मान लो कि मैं किसी ITC या HUL या कोई और कंपनी के लिए एज अ फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहा हूँ. सो मुझे ये पता है कि मुझे जिस एरिया का काम दिया गया है उसमें मुझे अलग अलग स्टोर्स है वहाँ पे सप्लाई करना है और मैं ऑब्वियसली उस स्टोर में लेके जाता भी हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देगा क्योंकि वो तो ऑन द स्पॉट वहीं पे पता चलेगा कि उसे कितनी क्वांटिटी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली मैं उसे वहीं पे ऑन द स्पॉट डिलीवरी दूंगा. सो व्हेन आई से मुझे रिसिपिएंट नहीं पता है तो आई टेक रिसिपिएंट नॉट नोन, बट मुझे रिसिपिएंट पता है बट वो क्या क्वांटिटी ऑर्डर देगा क्या नहीं देगा अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास तो आई टेक द ऑप्शन कॉल्ड एज लाइन सेल्स. तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया अलग अलग ऑप्शन जिसके लिए हम लोग ईवे बिल बनाते हैं. अगर मैं डायरेक्ट सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ, अगर मैं जॉब वर्क के लिए भेज रहा हूँ तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ, अगर मैं सेमी नॉकडाउन या कम्प्लीटली नॉकडाउन कंडीशन के लिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ, अगर मुझे सप्लाई करने के लिए टाइम पे रिसिपिएंट नोन नहीं है तो उसका ऑप्शन अवेलेबल है, अगर मैं अपने खुद के यूज़ के लिए कुछ ले जा रहा हूँ तो फॉर ओन यूज़ में चला जाएगा, अगर एग्जीबिशन या फेयर के लिए निकाल रहा हूँ तो वो हो जाएगा, और अगर मान लीजिए कि लाइन सेल्स वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया तो अकॉर्डिंगली आपको उसमें टिक करना है. उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन भी होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अदर्स. फ्रेंड्स अदर्स में क्या आ सकता है, फ्रेंड्स देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस. लाइक मान लीजिए कि मैं किसी को ऑन अप्रूवल गुड्स दे रहा हूँ, सो अगर मैं किसी को ऑन अप्रूवल देता हूँ तो वो आज तो सप्लाई होगा नहीं, वो पार्टी जिस दिन कंफर्म करेगा तब वो सप्लाई में जाएगा, तो अगर वो तब सप्लाई में जाएगा तो एज ऑफ नाउ मैं उसे कौन से कैटेगरी में ट्रांसपोर्ट बताऊँ, तो दैट इज़ वेयर आई हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज अदर्स. सो फ्रेंड्स मेनली इन दो पॉइंट में से आप डिसाइड कर लीजिए कि ट्रांजेक्शन टाइप कौन सा है और यहाँ से आप डिसाइड कर लीजिए कि सब टाइप कौन सा है. फ्रेंड्स वंस यू डिसाइड बोथ दिस इन्फॉर्मेशन नाउ यू नीड टू सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप.
सो अगर मान लीजिए कि मैं किसी को सप्लाई कर रहा हूँ या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या ऐसा कोई सिनारियो है जो अल्टीमेटली फॉल होगा इनटू समथिंग कॉल्ड एज टैक्स इनवॉइस, तो फ्रेंड्स मुझे उसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करना है। बट अगर मान लीजिए कि मैं कोई एग्जम्प्ट चीज़ सप्लाई कर रहा हूँ, या फिर अगर मान लीजिए कि मैं सप्लाई कर रहा हूँ बट आई एम अ कंपोजिशन डीलर, देन इन दैट केस मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि मैं टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता, मैं बिल ऑफ सप्लाई बनाता हूँ। सिमिलर वे फ्रेंड्स, अगर इम्पोर्टेड गुड्स के रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन का कुछ पॉइंट है तो देन यू विल सेलेक्ट दैट एज बिल ऑफ एंट्री। फ्रेंड्स सिमिलर वे, अगर आप किसी को जॉब वर्क पे भेज रहे हो तो यू शैल सेलेक्ट द ऑप्शन एज चालान, जो आपको चालान के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन मिलेगा। या अगर सेम वे रिसिपियंट नॉट नोन है तो ऑब्वियसली आप अभी तो टैक्स इनवॉइस बना नहीं सकते, तो आप चालान के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करोगे। सिमिलर वे अगर लाइन सेल्स की बात करें तो उसमें भी टैक्स इनवॉइस बना तो सकते हैं, बट सिंस क्वांटिटी एंड अदर थिंग्स आर नॉट नोन, सो अभी हम लोग टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट नहीं करेंगे, रादर चालान सेलेक्ट करके ही गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। फर्दर अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई क्वांटिटी रिजेक्ट हो रहा है, सेल्स रिजेक्शन है, तो उसके केस में हम लोग क्रेडिट नोट के थ्रू पूरा ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एज क्रेडिट नोट। एंड जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज अदर, अब अगेन आप ऑन अप्रूवल में कुछ भेजे या ऐसा कोई भी चीज़ है तो ऑब्वियसली आप उसके लिए या तो चालान जनरेट कीजिए या फिर आप उसको अदर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट टाइप। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट नंबर, मे बी 001, मे बी 002, जो भी उसका नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे उसकी डेट डाल देनी है। ये फ्रेंड्स हो जाए, फिर ये फ्रॉम में फ्रेंड्स ऑब्वियसली अगर आप सप्लाई कर रहे हो, आपके प्रीमाइसिस से सप्लाई हो रहा है, तो आप फ्रॉम में रहेंगे। बट अगर आप सप्लाई कर रहे हो, आप मूवमेंट कर रहे हो और आपके प्रीमाइसिस से मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका नाम यहाँ पे होगा और यहाँ पे आपका GSTIN होगा और यहाँ पे आपका यूजुअल प्रीमाइसिस होगा जहाँ से आप ये बिजनेस कंडक्ट करते हैं। बट कीप दैट इन माइंड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं मूवमेंट कर रहा हूँ बट मैं अपने प्रीमाइसिस से नहीं कर रहा हूँ, कोई और प्रीमाइसिस से कर रहा हूँ, तो फ्रॉम में मेरा नाम रहेगा बट ये एड्रेस चेंज हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। और अगर सिनेरियो कम्प्लीटली उल्टा ही है, जैसे कि मैं मूवमेंट करवा रहा हूँ बट आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ द हु इज़ गोइंग टू गिव गुड्स टू अनदर, रादर आई एम द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिसीव गुड्स। सो यानी मेरे सप्लायर के वहाँ से अगर मैं मूवमेंट करवा रहा हूँ, तो इन दैट केस अब मेरी डिटेल्स टू में चली जाएगी, जबकि फ्रॉम में मेरे सप्लायर की डिटेल्स आ जाएगी। फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट पॉइंट है। देखिए मैं वापस बताता हूँ, अगर मैं किसी को सप्लाई कर रहा हूँ, अपने प्लेस से कर रहा हूँ, तो फ्रॉम में मेरा नाम आएगा और एड्रेस में मेरा लोकेशन आ जाएगा। अगर मैं किसी को सप्लाई कर रहा हूँ बट मैं अपने प्लेस से सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, किसी और के प्लेस से सप्लाई कर रहा हूँ, तो अगेन फ्रॉम में मेरा ही नाम रहेगा बट लोकेशन यहाँ पे किसी और का डिटेल्स आ जाएगा, क्योंकि मैं सप्लाई तो कर रहा हूँ बट अपने प्लेस से नहीं, फ्रॉम मैं हूँ बट लोकेशन मेरा नहीं है। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि मूवमेंट तो मैं ही करवा रहा हूँ बट सप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रिसिपिएंट हूँ एक्चुअली, सप्लाई कोई मुझे कर रहा है जिसका मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, तो इन दैट केस फ्रेंड्स मेरी डिटेल्स टू में आ जाएगी, जबकि सप्लायर की डिटेल्स फ्रॉम में आ जाएगी और उसका लोकेशन एड्रेस में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं। और अगर मैं कमेंट करूँ फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी को डायरेक्ट डिलीवरी दे रहा हूँ ना, तो फ्रॉम में मेरा नाम आएगा, एड्रेस में मेरी डिटेल आएगी। बट अगर मान लीजिए कि बिल टू शिप टू मॉडल हो रहा है, यानी मैं सप्लाई कर रहा हूँ बट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सम थर्ड पर्सन, तो उस सिनेरियो में फ्रॉम में ऑब्वियसली फ्रेंड्स मेरी ही डिटेल रहेगी। अब टू में फ्रेंड्स किसकी डिटेल आनी चाहिए, थर्ड पर्सन की डिटेल आनी चाहिए कि डायरेक्टली रिसिपिएंट की डिटेल आनी चाहिए, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली यहाँ पे रिसिपिएंट की ही डिटेल आएगी, कहीं पे भी थर्ड पर्सन की डिटेल्स हमें सबमिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो फ्रेंड्स आई थिंक वी अंडरस्टैंड फ्रॉम में और टू में कौन सी डिटेल्स बननी है। अच्छा फ्रेंड्स ऑलवेज याद रखना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है,
वो सप्लाई कंडक्ट कर रहा है और वो ईवे बिल फाइल करना चाहता है, तो फ्रेंड्स उस केस में यहाँ पे जो GSTIN है वो तो उसका होगा ही नहीं, क्योंकि सप्लाई वो कर रहा है, मूवमेंट वो कर रहा है, ईवे बिल भी वो बना रहा है, बट सिंस इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन तो वो उसकी डिटेल कभी यहाँ आ ही नहीं सकती। तो उसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है वेयर देयर इज एन ऑप्शन ऑफ शोइंग एज URP। फ्रेंड्स URP तब अप्लाई करना है व्हेन द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो अकॉर्डिंगली आप अगर यहाँ पे URP सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन की तरह आपका खाली नाम रहेगा, आपका लोकेशन रहेगा, बट GSTIN की रिक्वायरमेंट निकल जाएगी। बट सिंस आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन तो यहाँ पे GSTIN की ही डिटेल्स आ रही है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं B2C कर रहा हूँ और बिकॉज B2C कर रहा हूँ और मेरे रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे URP सिलेक्ट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। एंड अगर मैं URP सिलेक्ट करूँगा तो ऑब्वियसली लॉ उसे एक्सेप्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि आपका अगर जो रिसिपियंट है या जो सप्लायर है दोनों में से जो भी है अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फ्रॉम या टू दोनों कॉलम में आप URP लिख सकते हैं, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फर्दर फ्रेंड आपको यहाँ पे एक स्टेट पिन कोड सेलेक्ट करना है जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। वंस यू सिलेक्ट दैट तो अब आपको आइटम प्रोडक्ट की डिटेल्स में चले जाना है। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स है, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम हो गया ABC, जैसे कि डिस्क्रिप्शन हो गया, आप कोई भी डिटेल्स भर दीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे। हाँ, HSN इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप HSN कोड नहीं डालेंगे फ्रेंड्स तो उस केस में वो आपको ट्रांसपोर्ट नहीं करने देंगे। अगेन यू हैव टू मेंशन क्वांटिटी के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूनिट डालने हैं। यूनिट के लिए उन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफिक क्राइटेरियाज बना के रखे हैं, तो अकॉर्डिंगली उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन विच इज़ बैग, हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम बैग सप्लाई कर रहे हैं, तो दैट मींस वी हैव टू सिलेक्ट यूनिट एज बैग्स। अच्छा फ्रेंड्स, अगर टैक्सेबल वैल्यू नहीं डालोगे ना तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल वैल्यू तो मांग ही रहे हैं आपको। हम यहाँ पे नॉमिनल अमाउंट डाल देते हैं 1 रुपए का टैक्सेबल वैल्यू, सो अकॉर्डिंगली ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, विनाई से टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या, तो क्या अगर मान लीजिए कि मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ तो वो गुड्स का जो वैल्यू है, अब मान लीजिए कि मैंने आपको गुड्स जॉब वर्क के लिए दिए, आप मुझे जॉब वर्क करके वो गुड्स वापस दे रहे हैं, तो उस केस में फ्रेंड्स जब मैंने आपको गुड्स दिए तब गुड्स की उस टाइम पे जो वैल्यू थी वो मैं शो कर रहा हूँ। अब आप मुझे जॉब वर्क करके वापस दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें वैल्यू एडिशन होगा, तो फ्रेंड्स उस टाइम पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग किसी को लेट्स से कोई मशीन रेंट पे देते हैं, तो फ्रेंड्स ये तो एक्चुअली सर्विस है, बट कैन आई से मशीन रेंट पे देना है यानी यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, सो देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड उस मूवमेंट के लिए हम जो सिलेक्ट करेंगे वो अगेन मशीनरी का वैल्यू ही होगा। कीप दैट इन माइंड, यहाँ पे रेंटल वैल्यू मत डालना, रेंटल वैल्यू तो फ्रेंड्स सर्विस का है और ईवे बिल बनता है मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, सो आपको जो रेंटल वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं डालना है। अगर मान लीजिए कि मैं आपको मशीन देता हूँ रेंट पे, 1 महीने का हमारा एग्रीमेंट है और 1 महीने का रेंट मैं आपसे ले रहा हूँ 10,000 रुपये, बट मशीन का वैल्यू 5 लाख है, तो मुझे यहाँ 5 लाख डालना है, मुझे यहाँ पे 10 रुपये की डिटेल नहीं डालनी है। सो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट डिटेल है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। Over and above that, once you select all this, friends, now comes, see, because I have selected same state, आप देख सकते हैं from में भी गुजरात है और to में भी गुजरात है, और because दोनों जगह पर गुजरात है तो उसके कारण यहाँ पर IGST का amount zero हो गया है automatically। आप system based देख सकते हैं, जबकि बाकी की जगह पर amount fill करने की जगह available है, जबकि यहाँ पर आप कुछ भी fill ही नहीं कर पाओगे, ये block हो गया है, you can't modify that, आप उसको change नहीं कर सकते, जबकि आप यहाँ पर जाके जो figure change करना है आप चेंज कर सकते हैं, वो अभी चेंज इसलिए नहीं करने दे रहे बिकॉज यहां पे वैल्यू और जीएसटी के अमाउंट में डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम हो रहा है। बट अगर मैं मान लीजिए कि मैं वैल्यू बढ़ा दूं 1 रुपए से, मैं अगर ज्यादा अमाउंट कर दूं तो ऑब्वियसली वो मुझे यहां पे अमाउंट चेंज करने ही देंगे। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि यहां पे वैल्यू और जीएसटी का जो कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। एंड जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टर्स की डिटेल डालनी है। यू आर ट्रांसपोर्टिंग बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, बाय शिप, व्हाट इज़ योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर मान लो कि आप बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्टर का नाम डालना है XYZ ट्रांसपोर्टर और उसका ट्रांसपोर्टर ID। यहाँ पे क्या होगा ट्रांसपोर्टर ID, या तो वो ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है या वो ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है तो आप GSTIN डाल दीजिए, उसका फेयर इनफ है।
बट अगर मान लीजिए कि वो ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका अपना एज अ ट्रांसपोर्टर आईडी होगा जो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्ट का चालान बनेगा या जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा उसका यहाँ पे नंबर डालना है और उसका यहाँ पे डेट डालना है। बट ये तब होगा फ्रेंड जब आप बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अगर आप बाय रेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे रेल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए और रेल रिसिप्ट नंबर डाल दीजिए, दैट इज़ फेयर इनफ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों टैब अपने आप ही ब्लॉक हो जाएंगे। सेम वे बाय एयर है तो उसमें आपको एयरवे बिल नंबर डाल देना है, बाकी सब वही रहेगा। सेम वे बाय शिप है तो आपको उसमें बिल ऑफ लीडिंग नंबर डाल देना है, बाकी दोनों डिटेल्स ब्लॉक ही रहेगी। अच्छा, बट फ्रेंड्स एक और पॉइंट है, कीप दैट इन माइंड। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा हूँ बट मैं अपने ही व्हीकल में मूवमेंट कर रहा हूँ, कोई और मूवमेंट नहीं हो रहा है। यानी मैं ट्रांसपोर्ट के व्हीकल में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं अपने ही व्हीकल में लेके जा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स उस केस में मुझे यहाँ पे अपना ही व्हीकल नंबर डालना है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी कार में लेके जा रहा हूँ तो आई विल राइट डाउन द कार नंबर एज सो एंड सो, एंड एज सो एंड सो डाल के मैं उसकी डिटेल यहाँ पे भर सकता हूँ कि भाई ये मेरा व्हीकल नंबर हो गया। और साथ में मुझे यहाँ अप्रोक्सीमेट किलोमीटर्स लिखने हैं, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज़ अवेयर कि आपका ई वे बिल है उसकी एक शेल्फ लाइफ है, कि अगर भाई एक्स किलोमीटर तक है तो आपको उसके किलोमीटर्स वहाँ पे डालने हैं, अगर उससे ज़्यादा किलोमीटर्स है तो उस अकॉर्डिंगली उतना डालना है, बिकॉज जितने किलोमीटर्स आप मेंशन करोगे अकॉर्डिंगली उतने दिन के लिए वो ई वे बिल वैलिड रहेगा। आई थिंक एवरीबडी इज़ अवेयर कि किलोमीटर्स के हिसाब से ई वे बिल की वैलिडिटी रखी जाएगी। सो किलोमीटर्स के हिसाब से ई वे बिल की वैलिडिटी होगी, तो आप कुछ भी किलोमीटर्स अगर गलत लिखोगे तो आप का ई वे बिल का वैलिडिटी उस हिसाब से अफेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, आपको किलोमीटर्स की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये आपका ई वे बिल जनरेट हो सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिटेल्स भर देंगे तो अकॉर्डिंगली वैल्यू भरना बाकी है, इसके कारण शायद ये प्रॉब्लम हो रहा है। अकॉर्डिंगली आई थिंक हमारा ई वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए। एक किलोमीटर्स हो गया है, एड्रेस हो गया है, लोकेशन हो गया है, HSN डाल दिया है, वैल्यू हो गया है। आई थिंक फ्रेंड्स हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर नहीं डाला है, उसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर हम सारी डिटेल्स अगर एक बार भर देते हैं तो फ्रेंड्स हमारा ई वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए, और ये ई वे बिल का हमें अल्टीमेटली प्रिंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, दैट दिस इज़ योर पार्ट ए, दिस इज़ योर पार्ट बी, यू प्रिंटेड, यू डिटेल प्रिंटेड एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डील विद दैट। तो फ्रेंड्स दिस इज़ हाउ वी जनरेट ई वे बिल। फ्रेंड्स एक और वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करने का ट्राई करेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे ई वे बिल एक साथ ही कैसे जनरेट कर पाएंगे, या एज अ ट्रांसपोर्टर अगर आप बहुत सारे लोगों का गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसका ई वे बिल हम कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए जनरेट बल्क का भी ऑप्शन है। बट फॉर दैट वी विल रिकॉर्ड अ वीडियो सून। फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन ऑब्वियसली पुट अ कमेंट इन आवर चैनल, एंड फॉर फर्दर वीडियोज यस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज सिंप्लीफाइड GST @gandhi। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।